130 देशों द्वारा समर्थित वैश्विक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स आपके लिए इसका क्या अर्थ है? अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन ने जोर देकर कहा है कि वैश्विक न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन में विनाशकारी नीचे तक की दौड़ समाप्त हो जाएगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम दरों वाले देशों में अपने मुनाफे को स्थानांतरित करके करों को चकमा देने से रोकने के लिए दुनिया भर में प्रयास के हिस्से के रूप में लगभग 130 देशों ने वैश्विक न्यूनतम कर का समर्थन किया है। 1 जुलाई को ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा घोषित समझौते में उन देशों की सबसे बड़ी वैश्विक कंपनियों पर कर लगाने के प्रावधान हैं जहां वे ऑनलाइन व्यवसायों के माध्यम से मुनाफा कमाते हैं लेकिन उनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं हो सकती। वार्ता में शामिल होने वाले सभी 139 देशों में से सभी ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह समझौता अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा कम से कम 15% की दर का प्रस्ताव देने के बाद हुआ एक ऐसा कदम जिसने चर्चा का मध्य वर्ष की समय सीमा के करीब धकेल दिया। 20 देशों का समूह अब अक्टूबर में विशिष्टताओं को अंतिम रूप देने और 2023 में समझौते को लागू करने के लक्ष्य के साथ इस साल के अंत में होने वाली बैठकों में समझौते पर बहस करेगा। यदि वे समझौते की शर्तों के तहत अन्य देशों में सहायक कंपनियों के माध्यम से कर मुक्त हो जाते हैं तो देश अपनी फर्मों के विदेशी राजस्व पर कर लगा सकते हैं क्योंकि कमाई पर किसी भी तरह घर पर कर लगाया जाएगा। कम कर वाले देशों में मुनाफे को स्थानांतरित करने के लिए लेखांकन और कानूनी तरीकों को नियोजित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने का अर्थ क्या है? देश अपने कर नियमों को संशोधित करेंगे ताकि यदि उनकी फर्मों की कमाई पर कर नहीं लगाया जाता है या केवल विदेशों में कमजोर कर लगाया जाता है तो वे अपनी दर को न्यूनतम तक ले जाने के लिए एक अतिरिक्त टॉप अप टैक्स के अधीन होंगे। तर्क के अनुसार निगमों के लिए आय को कम कर देने वाले देशों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन को हटा देगा क्योंकि अगर वे विदेशों में करों से बचते हैं तो उन्हें किसी भी तरह यहां भुगतान करना होगा। व्यवसायों को आकर्षित करने का सबसे पहले सरकार को अति निम्न कर दरों को लागू करने के लिए न्यूनतम प्रोत्साहन भी कम होगा। बाइडन ने निगमों से विदेशी राजस्व पर अमेरिकी कर की दर को बढ़ाकर 21% करने की वकालत की है। यह उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अनुमोदित कानून में से एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी जो 10.5% से 13.125% तक थी। आलोचकों ने तर्क दिया है कि ट्रंप प्रशासन की विदेशी दर बहिष्करण के साथ लाभ स्थानांतरण को रोकने के लिए बहुत कम थी। भले ही अमेरिकी दर विश्वव्यापी दर से अधिक हो लेकिन अंतर कर से अधिकांश अवसरों को रोकने के लिए काफी कम हो सकती है। समस्या का आकार क्या है? लाइन पर पैसा है सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन के अनुसार दुनिया भर में न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय करों में एक हानिकारक दौड़ से नीचे तक तो समाप्त कर देगा। लंदन स्थित जस्टिस नेटवर्क एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टैक्स हेवन के लिए सरकार को सालाना $245 अरब का नुकसान होता है। यदि इस तरह का पैसा सरकारों के लिए सुलभ होता तो वे इसका उपयोग अन्य चीज के अलावा अपने उच्च महामारी राहत खर्चों के प्रबंधन के लिए कर सकते थे। यह आम आदमी को कैसे प्रभावित करता है? कई विकल्प हैं। बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन के राजस्व पर करों का भुगतान अनंत उन शेयर धारकों द्वारा किया जाता है जो औसतन आम जनता की तुलना में अधिक अमीर होते हैं। जैसे जैसे कॉर्पोरेट कर का बोझ कम हुआ है कुल कर बोझ मजदूरी और श्रम पर स्थानांतरित हो गया है। दूसरे शब्दों में आमतौर पर धनी शेयर धारकों से नियमित कर्मचारियों तक चिंतित होने का एक और कारण यह है कि OECD के अनुसार सीमाओं के पार काम करने वाले बड़े कॉर्पोरेशन को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होते हैं क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय कर चोरी के तरीकों का उपयोग कर सकते हैं जो केवल स्थानीय व्यवसायों के लिए उपलब्ध नहीं है। न्यूनतम कर दर प्राप्त करने के लिए व्यवसाय लाभ कैसे बढ़ाते हैं? जबकि कुछ कर चोरी के अवैध तरीके हैं, अधिकांश पूरी तरह से वैध हैं। समकालीन अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक समस्या का हिस्सा है। अमूर्त संपत्ति जैसे
ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर और अन्य बौद्धिक संपदा तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। कारखानों जैसी मूर्त संपत्तियों की तुलना में इन्हें स्थानांतरित करना कम मुश्किल होता है। कर के बोझ को घटाने के लिए एक लाभ साझाकरण व्यवस्था का एक दृष्टिकोण है। इसमें खर्चे और कमाई का एक हिस्सा कम कर सहायक कंपनी को आवंटित करना शामिल है। एक अन्य विकल्प कॉपीराइट सॉफ्टवेयर या अन्य बौद्धिक संपदा से लाभ को टैक्स हेवन कानूनी कंपनियों से जोड़ना है। डिजिटल करों पर विवाद। ओईसीडी की चर्चाओं में से एक उन कर फर्मों पर केंद्रित है जो उन देशों में व्यापार करती हैं जहां उनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है और इसलिए उनकी बिक्री पर बहुत कम या कोई कर नहीं है। आमतौर पर क्योंकि उनके संचालन इंटरनेट आधारित है, फ्रांस ने राजस्व पर 3% डिजिटल सेवा कर अधिनियम किया है जिससे देश में बड़ी फर्मों द्वारा उत्पन्न किया गया है, जो कि गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी अमेरिकी इंटरनेट दिग्गजों के लिए एक कदम है। अन्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हैं। हालांकि वाशिंगटन ने एक तरफा करों को अनुचित व्यापार प्रथाओं के रूप में लेबल किया है जो अमेरिकी व्यवसायों को अन्यायपूर्ण रूप से टारगेट करते हैं। क्या आपको लगता है कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स से दुनिया के अंदर अमीरी और गरीबी को मिटाया जा सकता है? क्या अमीर देश और गरीब देश के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है, या सिर्फ ये अमीर देशों को ही फायदा पहुंचाने के लिए एक अमेरिका की फाइनेंशियल चाल है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।